Welcome to Blue Rose Impact Learning, a platform through which you learn from industry experts the topics that you always wanted to understand better so you can create an impact. Well, my name is Sayed. I am the founder and director of Blue Rose Publishers. And in this video, we'll be talking about ISBN. ISBN hota kya hai and usse kaise apply karte hain. We'll guide you through each step of the way. Sare steps hum aapko dikhayenge ki ISBN ki site pe jaake, government ki site pe jaakar आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन गेट योर ओन ISBN. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम जानेंगे कि ISBN होता क्या है. ISBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. किसी भी बुक के पीछे आप देखेंगे एक 13 डिजिट का नंबर होता है. दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 978. दैट इज ISBN. सो ये ISBN बेसिकली आपकी बुक का एक यूनिक आइडेंटिफायर है. दिस इज हाउ योर बुक stands out and is a unique product as compared to any other book in the world. So ISBN basically identifies the publisher, the book, the registrant, the title, the format and the edition, everything. So that's how your book is identified. So ISBN ek product identifier. Sirf iska purpose ek hi hai ki aapke product ko, aapke book ko इस कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना एज अ बुक. एंड दिस इज यूज बाई पब्लिशर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बुक स्टोर्स, लाइब्रेरीज टू सिंपली आइडेंटिफाई द बुक. दैट्स इट, नो अदर पर्पज. सो अगर आप अपनी बुक लिख कर खुद सेल करने का प्लान कर रहे हैं तो यू डोंट नीड एन ISBN. बट अगर आप प्लान कर रहे हैं उसे किसी ऑनलाइन रिटेलर जैसे Amazon या Flipkart से सेल करने के लिए, so you will need an ISBN for sure. You won't be able to sell the book without an ISBN. So it's always suggested that you get an ISBN. So the second most frequently asked question is, do I need to pay for ISBN? Answer is yes, no, both. So depend karta hai ki aap ISBN kahan se allot karwa rahe hain. Always suggested ki aap jis country ke hain, jis country mein aap book circulate kar rahe hain ya jis country mein aapne book likhi hai ya publish karai hai, ISBN wahin se allot hona chahiye. तो डिपेंड करता है कि क्या वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं, आर दे चार्जिंग एनीथिंग फॉर द ISBN और इज इट फॉर फ्री. इंडिया में देयर इज नो चार्ज. इंडिया में ISBN इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. द एजेंसी इज राजा राम मोहन रॉय, ISBN एजेंसी. द साइट इज isbn.gov.in. नाउ वन मोर क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि क्या ISBN इंडिया से लेना मैंडेटरी है. इट्स नॉट, बट इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप जिस कंट्री के हैं उसी कंट्री से ISBN अलॉट करवाइए. बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, आप ISBN कहीं से भी परचेज कर सकते हैं. एंड पर्पज सिर्फ एक ही है कि आपकी बुक आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए. डज ISBN एक्सपायर? नो इट डजंट. सो ISBN डजंट एक्सपायर, इट्स फॉर लाइफ लॉन्ग. सो वंस यू हैव टेकन एन ISBN फॉर अ बुक, यू डोंट नीड अनदर ISBN फॉर द सेम बुक. सेम किताब के लिए आपको दोबारा ISBN लेने की जरूरत नहीं है. Unless you change the edition, you make substantial change in the book, बहुत ज़्यादा आपने changes कर दिए हैं, आपने कुछ बिल्कुल ही नया edition निकाल दिया किताब का, तो आपको ISBN की ज़रूरत पड़ेगी, नए ISBN की. पुराने वाले ISBN से आप book को continuously sell कर सकते हैं for the rest of the life. You don't need a new ISBN. The ISBN circulation across the globe. पूरी दुनिया में ISBN एजेंसी, इंटरनेशनल ISBN एजेंसी ही कंट्रोल करती है. इंडिया में राजा राम मोहन रॉय इज दी अथॉरिटी. और इसकी साइट है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया isbn.gov.in. Now we'll be talking about how to apply the ISBN, the most important part. अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना ISBN खुद से अप्लाई करने के लिए तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई फॉर एन ISBN. So, आपको जाना है, वेबसाइट है isbn.gov.in. साइट पे आप जाएंगे. नाउ होम पेज पे आप आने के बाद इधर यू विल लॉग इन. एंड इफ यू डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, अगर आपका ऑलरेडी एक अकाउंट इस पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो यू हैव टू रजिस्टर. तो रजिस्टर करने के लिए न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए. ये पेज ओपन होगा, इस बॉक्स को चेक कर लीजिए एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन कि अपना एप्लीकेंट टाइप आप पब्लिशर हैं या ऑथर हैं. ये सारी क्वेश्चंस को आप आंसर कर लीजिए. वंस यू हैव डन दिस यू विल बी लॉग्ड इन. नाउ वंस यू आर रजिस्टर्ड आप अपने पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे
and then you'll be able to find out exactly what is this, and you will be able to apply for the ISBN. Basically, आप अपने ISBN के लिए apply कीजिए, अपने book की details डालेंगे, अपनी information डालेंगे, अपनी applicant की information, and then यहाँ पे सारे steps आपको लिखने हैं, ठीक है? ये सारी information enter करने के बाद, जब आपने successfully उसे submit कर दिया, you can come back to the same portal, and then you can check the status of the application. So it's a very easy, I would say, you know, user friendly platform. Just in case आपको कोई problem होती है, तो you can always call their helpline. And like I always say, you know, Blue Rose is always there to help you. So you can also call Blue Rose support, and we will be more than happy to assist you in the application process. Even if you are not our author, if you are not, you know, publishing any book with Blue Rose, we will still be happy. So this is how you can apply for ISBN, and you can regularly check if it is already allotted. So, आपको साइट पे जाकर इस तरीके से चेक करना है कि आपका ISBN आपको अलॉट हो चुका है या नहीं. इफ नॉट, यू कैन ऑल्सो डायल द कस्टमर सर्विस नंबर एंड समवन विल गाइड यू थ्रू. सो दिस इज हाउ यू अप्लाई फॉर एन ISBN एंड यू चेक इफ इट इज ऑलरेडी अलॉटेड. एंड जस्ट इन केस यू डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू द हैसल, ये सारी चीजें आप खुद से नहीं करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज टॉक टू अ कंसल्टेंट एट ब्लू रोज पब्लिशर्स. डायल 888-2-898-898 888-2-898-898. Talk to a consultant and someone will guide you through every step of the way. They will take care of everything. Now, I hope कि आपकी book बहुत अच्छा करे market में. It turns out to be the next best seller and you get everything you want from your writer's journey. All the best.